हाउ डू यू हैंडल बोर्डम, जब आप उदास हो जाते हैं, इस स्थिति को आप कैसे सामना करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें कहने वाला हूँ। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 पॉइंट्स एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। मैं नम्रपूर्वक आप सभी को निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप दूसरों को दिखाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी को ये वीडियो काम आए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मेरे यूनिफॉर्म के जूते हैं। शाइन योर ओन शूज, अपना खुद का जूता खुद पॉलिश कीजिए। ओ मैं करता हूँ हर दिन, जी हाँ दोस्तों, हर दिन मैं अपना जूता साफ करता हूँ, इस पर क्रीम लगाता हूँ, इसको चमकाता हूँ। आई शाइन माई शूज एवरी डे। वाई? बिकॉज आई नो नो बडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर मी। मैं इस जूते को इसलिए दिखाया ये जाहिर करने के लिए कि खुद की मदद खुद करो। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। इफ यू थिंक दैट यू आर बोर्ड एंड somebody इज गोइंग टू हेल्प यू, somebody इज गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन यू, दैट विल नॉट हेल्प। यदि आप सोचते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपका कोई मित्र, आपके पिताजी, माताजी, आपका भाई बहन या कोई आपको मदद करेगा, आप पे इंटरेस्ट लेगा, इस उम्मीद पे आप रहेंगे ना, तो आप उदास हो जाएंगे। सो इफ यू इमेजिन दैट somebody इज गोइंग टू हेल्प यू, यू विल ऑलवेज फील बोर्ड। सो वॉट इज द फर्स्ट पॉइंट? शाइन योर ओन शूज। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट लिसन टू नेगेटिव टॉक, नेगेटिव मटीरियल और सैड सॉन्ग्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग बहुत उदास है और दर्द भरे गीत सुनते हैं तो दिल और सैड हो जाएगा, दिल और उदास हो जाएगा। सो बीवेयर, डू नॉट लिसन टू सैड सॉन्ग्स। और इफ यू रीड ए मटीरियल, डू नॉट रीड नेगेटिव मटीरियल, सैड स्टोरीज। सो अगर आप बोर फील करते हो तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको और दुखी बना देगा। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा है एक्सेप्ट बोर्डम। ये जो आप उदास महसूस कर रहे हैं, ये जो भावना है, इसे मान लीजिए थोड़ा समय के लिए। और क्या करना है, टेक अ शॉर्ट नैप। सो एक्सेप्ट द फीलिंग ऑफ बोर्डम, टेक अ शॉर्ट नैप एंड यू विल फील बेटर। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, ये किसी का पढ़ के सुना हुआ बात नहीं, इन चीज़ों को मैंने खुद किया है। ओके और अच्छा नींद लीजिए, स्लीप वेल एंड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताइए, जो मैं करता हूँ। और शायद इसलिए आज मैं अभी तक सिंगल हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई सिंगलनेस। तो यदि आप अकेला है, उदास है, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से समय बिताइए, ये आपके खुद के लिए बहुत बेहतरीन होगा। चौथा है अटैक बोर्डम, आक्रमण कीजिए। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसे आक्रमण कीजिए, बिकम प्रोएक्टिव। ओके कुछ ना कुछ कीजिए। आराम करने के बाद एक किताब पढ़िए, कुछ लिखिए, या कहीं दूसरी जगह जाइए, एक फिल्म देखने जाइए, कुछ अच्छा कॉफ़ी बनाइए, कुछ खाने का सामग्री के साथ कुछ कीजिए, या दूसरों की मदद कीजिए। या सो बिकम प्रोएक्टिव, अटैक बोर्डम। एंड फिफ्थ पॉइंट वाइटल, बी वर्सेटाइल, एड वराइटी इन योर लाइफ। मान लीजिए यदि आपको मौका मिलता है आप बाहर जाइए, या एक दुकान में जाइए, कुछ अच्छा चीज़ खाइए, एक फिल्म देखने जाइए, या किसी मित्रों से बात कीजिए, या किसी को मदद कीजिए। मान लीजिए बारिश गिर रहा है, तभी आप क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, घर में कुछ कीजिए, एक इंडोर गेम खेलिए, स्क्रैबल है, डायरी लिखिए, एक अच्छा किताब पढ़िए, मोबाइल फोन बंद हो गया तो क्या, तो अर्थात ये बंद हुआ तो वो कीजिए। कभी भी मौका मत दीजिए कि आप उदास हो गए हैं। मैं इन चीज़ों का करता हूँ इसलिए मैं कभी भी उदास नहीं रहता हूँ। मैं कभी कभी गुस्सा आता है, परेशान होता हूँ, बट आई एम नेवर बोर्ड विथ माई लाइफ। सो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू फील बोर्ड विथ योर लाइफ, प्लीज अप्लाई दिस 5 प्रिंसिपल्स, इट विल हेल्प, इट हैज हेल्प मी। एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। So what are the 5 points? Shine your own shoes, which means self-help is the best help. Second, do not listen to negative music, sad songs, or read negative material. Third, accept boredom.
take a short nap, sleep well. That will help you to rejuvenate. Fourth is attack boredom. Become proactive. Do something. Fifth, very important, be versatile. Have variety. Have a lot of things to do so that one thing stops you, do another. Read, sing, play, go out, have variety. So thank you for watching this video. In case you like it, please share it with your friends. This is the Pure Magnet.